रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर क्लास टू स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर मिस फरीहा। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल विल बी फाइन डियर स्टूडेंट्स। ओपन द पेज नंबर 57। दिस इज आवर न्यू चैप्टर वर्ड पैड। व्हाट इज वर्ड पैड? वर्ड पैड इज अ माइक्रोसॉफ्ट विंडो प्रोग्राम दैट यू कैन सी यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स such as letters, notes and posters. You can perform a range of tasks, create, open and save documents. Students, ये जो वर्डपैड है ये एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को जो है अगर हम चाहते हैं कि हम लेटर्स लिखें, स्टोरीज लिखें या पोस्टर्स, नोट्स वगैरह लिखें, बनाएं, तो हम उसके लिए वर्डपैड पे काम करते हैं। स्टूडेंट्स, हाउ टू ओपन वर्ड पैड? हम वर्ड पैड को किस तरह ओपन करते हैं? हाउ टू ओपन द वर्ड पैड? नंबर वन इज गो टू द स्टार्ट पे सबसे पहले हम जाएंगे। नंबर टू इज क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। उसके बाद हम क्लिक करेंगे ऑल प्रोग्राम्स पे। नंबर थर्ड पे जो हमारा स्टेप होगा, क्लिक ऑन एक्सेसरीज। फिर उसके बाद जब प्रोग्राम्स के बाद एक और पेज ओपन होता है उसमें एक्सेसरीज लिखी हुई आती हैं, उन एक्सेसरीज पे हम क्लिक करेंगे। देन नंबर फोर, क्लिक ऑन वर्ड पैड। उसके बाद हम वर्ड पैड पे जो है वो लिखा हुआ आ जाता है प्रोग्राम का नेम। हम वर्ड पैड पे क्लिक करेंगे तो वर्ड पैड का प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाएगा। ये जो है वर्ड पैड प्रोग्राम को ओपन करने के स्टेप्स थे। नाउ कम टू योर बुक स्टूडेंट, लुक एट द पिक्चर। ये आपको पिक्चर जो है वो शो की गई है। जिस तरह मैंने अभी बोर्ड पे आपको समझाया है कि सबसे पहले हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और ये स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद हम ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जब हम ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करेंगे तो हमारे पास नंबर थर्ड पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा न्यू पेज ओपन हो जाएगा। और नंबर थर्ड पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा एक्सेसरीज का। किसका ऑप्शन आएगा? एक्सेसरीज। देन हमारे पास एक और पेज ओपन हो जाएगा और उसमें हमारे पास आएगा ऑप्शन वर्ड पैड। जब हम वर्ड पैड पे क्लिक करेंगे तो हमारा वर्ड पैड का प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर। ये वर्ड पैड प्रोग्राम जो है हमारा ओपन हो चुका है। टेक्स्ट कैन बी एडिट इन वर्ड पैड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। अब हम कीबोर्ड से हम इस पे कुछ भी टेक्स्ट जो है वो राइट कर सकते हैं, जैसे कि आपको बुक पर लिखा हुआ दिखाया जा रहा है, कराची इज अ बिग सिटी। वर्ड पैड पे जो है कोई भी टेक्स्ट प्रोग्राम होता है, हमें लेटर्स लिखने होते हैं, उसके लिए वर्ड प्रोग्राम जो है वो यूज किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को अलाइनमेंट की हेडिंग्स बताई गई है। वॉट इज अलाइनमेंट? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन एंड सेंटर अलाइन। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, आपको ये पिक्चर में ये शो किया जा रहा है कि ये जो बीच में लाइंस होती हैं इनको सेंटर अलाइन कहा जाता है। ये आपके लेफ्ट साइड पे यहाँ पर यहाँ से लाइंस स्टार्ट हो रही हैं तो उसको लेफ्ट अलाइन कहा जाता है, और यहाँ पर आपके इस तरफ राइट साइड से जो है लाइंस स्टार्ट हो रही हैं तो उसको राइट अलाइन कहा जाता है। यानी कि आप लोगों को कहीं से भी अपना स्टेटमेंट या अपनी कोई भी लाइन स्टार्ट करनी है, लिखने के लिए टेक्स्ट लिखना है आपको, टाइप करना है, तो हम जो है अगर हमें लेफ्ट अलाइन से लिखना है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो काम है वो सारा लेफ्ट साइड पर चला जाएगा, और अगर हम राइट सेंटर अलाइन को करेंगे तो सारा वर्क हमारा सेंटर में आ जाएगा, और अगर हम राइट अलाइन को जो है वो क्लिक करेंगे तो हमारा जो सारा वर्क है वो राइट अलाइन राइट साइड पर आ जाएगा। ये देखेंगे लेफ्ट, सेंटर एंड राइट अलाइन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग जो वर्ड है या कोई टूल है, इस फॉर्मेटिंग टूल को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट को या जो हम राइट कर रहे हैं उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकें या ज़्यादा खूबसूरत बना सकें। तो उसके लिए आपको ये देखें, बी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बी फॉर बोल्ड, इट मेक्स द टेक्स्ट बोल्ड। ये जो है आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देती है, हाईलाइट कर देती है, जैसे कराची इज़ अ बिग सिटी, ये हमने बोल्ड प्रेस किया तो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया, खूबसूरत हो गया, थोड़ा मोटा हो गया। नंबर टू पे है इटैलिक, इट इज मेक्स टेक्स्ट स्लांटेड। स्लांटेड का मतलब है हल्का सा तिरछा, और ये देखें आपका ये जो इटैलिक आ रहा है, इटैलिक में आपका कराची इज अ बिग सिटी, हल्का सा स्लांटेड जो है आपको इसमें टेक्स्ट
टेक्स्ट नज़र आ रहा है। नंबर थर्ड पे है अंडरलाइन, इट इज़ यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट। हम किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यानी नीचे लाइन ड्रॉ करने के लिए जो है वो हम अंडरलाइन वाला टूल जो है वो यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, उसके बाद आ जाता है फॉन्ट साइज, और इसके मीनिंग होते हैं किसी भी टेक्स्ट को के साइज़ को चेंज करना, किसी भी टेक्स्ट के साइज़ को छोटा या बड़ा करना। आपके पास इस तरह ये फॉन्ट साइज का ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पूरी लिस्ट खुल जाएगी और इस लिस्ट में नंबर्स होते हैं। आपको जितना बड़ा करना है तो आप बड़े नंबर की तरफ चले जाएंगे, और अगर आपको अपना टेक्स्ट छोटा करना है तो आप छोटे नंबर्स की तरफ चले जाएंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको जो है गुड मॉर्निंग लिखा हुआ दिखाया जा रहा है। ये 16 फॉन्ट साइज़ है और 16 पे इस तरह नज़र आएगा, और अगर हम उस फॉन्ट साइज़ को 24 कर देंगे तो ये थोड़ा साइज़ में बड़ा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आ जाता है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल इज डिज़ाइन इन विच द टाइप्ड लेटर विद अपीयर ऑन द स्क्रीन। वर्डपैड हैज़ नंबर ऑफ फॉन्ट स्टाइल टू चेंज द स्टाइल। अच्छा, हम इसके टेक्स्ट को जो है स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसमें क्या करना होगा हमें, ये देखें स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए यहाँ पर हम जाते हैं, क्लिक ऑन फॉन्ट स्टाइल, सिलेक्ट द स्टाइल। ये इतनी लंबी लिस्ट जो है ओपन हो जाती है, और इस लिस्ट में से आप जिस तरह चाहें अपने टेक्स्ट को जो है वो राइट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, जब हम अपना पूरा वर्क कर लेते हैं तो जाहिर है कि हमें उस डॉक्यूमेंट को सेव करना होता है। तो उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम सबसे पहले इस टूल पे जाएंगे, वहाँ पर ओपन होगा एक पेज और उसमें सेव लिखा हुआ आएगा, उस के ऑप्शन पे हम जाएंगे, सेव का ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारे पास जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। उसके साथ साथ हम उसके फाइल पर नेम भी लिख सकते हैं अपना। यहाँ पर आपका फाइल नेम भी आता है, जो फाइल जो डॉक्यूमेंट आप सेव कर रहे हैं उसको उसमें जो है आप अपना फाइल का नेम भी लिख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चैप्टर वर्डपैड समझ आ गया होगा। नाउ कम टू योर बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, दिस वर्क इज मैच द कॉलम। नंबर वन कॉलम, कॉलम ए इज आइकन्स एंड नंबर बी कॉलम इज फंक्शंस। इन आइकन्स को हमें फंक्शन से जो है वो मैच करना है। नंबर वन पे आप लोगों को क्या है दिया हुआ है, ये जो आइकन है ये कहलाता है अंडरलाइन, यानी कि हम जब किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं तो हम इस वाले टूल पे या इस वाले ऑप्शन पे जाते हैं, तो इसको हम मैच कर देंगे टू चेंज, इसको हम मैच कर देंगे टू अंडरलाइन द टेक्स्ट। हमें टेक्स्ट को अंडरलाइन करना होता है तो हम इस वाले ऑप्शन पे जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, और इस 10 का मतलब क्या है, इस 10 का मतलब है आपका जो फॉन्ट साइज है उसको चेंज करने के लिए हम इस ऑप्शन पे जाते हैं। इसको हम मैच करेंगे टू चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट, टू चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद है बी, और मैंने आप लोगों को बताया है बी फॉर बोल्ड होता है। अगर हमें अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है तो हम इस ऑप्शन पे जाते हैं और हम बी को हम मैच करेंगे टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। नंबर फोर पे है एरियल, और एरियल का क्या मतलब है, जब हम अपना फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं तो उसके लिए हम एरियल के ऑप्शन पे जाते हैं, तो फॉन्ट स्टाइल इसको हम मैच करेंगे टू चेंज द स्टाइल ऑफ टेक्स्ट। हम जब टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना होता है तो हम एरियल वाले ऑप्शन पर जाते हैं। उसके बाद है आई, आई फॉर मैंने बताया आप लोगों को इटैलिक होता है, जब हमें किसी टेक्स्ट को जो है स्लांटेड करना होता है, तिरछा करना होता है, उसके लिए हम आई को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, एंड आई फॉर इटैलिक हम इसको मैच करेंगे टू मेक द टेक्स्ट स्लांटेड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। नाउ कम टू योर असाइनमेंट। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ जनवरी 2021। आवर चैप्टर इज वर्डपैड। फर्स्ट वर्क इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर टू ओपन द वर्डपैड। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि हम किस तरह वर्डपैड प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। इसको जो है आपको इन सेंटेंसेस को आगे पीछे करके दिया गया है, आपको इसके नंबरिंग करनी है। तो हमारे पास है क्लिक ऑन वर्डपैड, गो टू स्टार्ट, क्लिक ऑन प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम्स, क्लिक ऑन एक्सेसरीज। सबसे पहले हम जाएंगे गो टू स्टार्ट, तो हम इसके सर्कल पे नंबर वन लिख देंगे। उसके बाद हम कहाँ जाते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद हम जाते हैं क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, तो ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। इनके स्टेप्स को जो है हमें अरेंज करना है।
उसके बाद हम जाते हैं स्टूडेंट्स क्लिक ऑन एक्सेसरीज, इस पे आ जाएगा नंबर 3 स्टेप। उसके बाद सबसे जो हमारा लास्ट होता है वो है क्लिक ऑन वर्डपैड, हम वर्डपैड पर क्लिक करते हैं और ये हमारा 4th स्टेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा मैच द आइकन टू द फंक्शंस, ये हमने अभी बोर्ड पर कर लिया है और समझ भी लिया है। एंड नंबर 3 वर्क इज रीअरेंज द लेटर्स, यहाँ पर आपको जंबल लेटर्स दिए गए हैं उसको आपको रीअरेंज करना है। नंबर 1 है क्रिएट, नंबर 2 है बॉटम, नंबर 3 है रिव्यू, नंबर 4 है स्क्रीन एंड नंबर 5 है सेलेक्ट। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये असाइनमेंट समझ आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।